सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सर्दी की खास सब्जी जिसका नाम है मेथी। मेथी हम बनाएंगे आलू के साथ। तो मेथी बनाना कोई खास मुश्किल नहीं है, बस इसको जब हम जब बाजार से लाते हैं तो आप देख कर लीजिएगा, अगर वो मोटी डंडी वाली मेथी है तो फिर आप उसकी जो डंडियां हैं उनको हटा के एक एक पत्ते को अलग तोड़िएगा, और अगर आपकी बारीक डंडियों वाली यानी सॉफ्ट डंडियों वाली देसी मेथी है तो आप उसके सिर्फ नीचे की डंडियां काट के और जो सॉफ्ट वाली ऊपर डंडियां हैं उनके साथ ही उसको काट लीजिएगा। तो मेरे पास 1 किलो मेथी थी, मैंने उसके मोटे वाले जो डंठल थे वो हटा के सारे पत्ते तोड़ दिए थे और उसके बाद मैंने इसको बारीक काट लिया है, ये देखिए। और इसको अब मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो के छन्ने में डाल दिया है, तो अब ये पकने के लिए तैयार है। अब 1 किलो मेथी के साथ आपकी मर्जी है कि आप कितने आलू लेते हैं, कुछ लोग आलू ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। तो मैंने लिए हैं 800 ग्राम आलू, इनको छील के मैंने मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है। तो आलू मेथी बनाने के 2 तरीके होते हैं, 2 क्या बल्कि और ज्यादा भी होते हैं। तो एक मेथड के अंदर हम सिर्फ तड़का लगा के और आलू मेथी बना लेते हैं, उसमें प्याज और टमाटर बिल्कुल नहीं जाते। तो हम जो आज रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसमें प्याज भी डलेगी और टमाटर भी। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को लेके बारीक चॉप कर लिया है, 6 मैंने देसी टमाटर लिए हैं जो खट्टे वाले होते हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने बारीक कटा लहसुन लिया है और 5 से 6 मैंने सूखी लाल मिर्चों को बारीक काट लिया है, 1 टीस्पून भर के मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून ही भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। तो कढ़ाई के अंदर हमने 3/4 कप ऑयल लिया है, ऑयल और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज्यादा। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्चें और ये बारीक कटा लहसुन, इससे हमारी जो आलू मेथी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसको मैं इतना पकाऊंगी कि जो हमारे लहसुन है उसका कलर चेंज हो जाए। तो लहसुन का कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम डालेंगे प्याज और प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होने लगा है और इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, टमाटरों को हम पहले 2 मिनट ऐसे ही भून लेते हैं। तो टमाटरों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें मसाले जो कि बहुत ही सिंपल है, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट फिर से हम इन्हें पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं टमाटरों को पकते हुए भी, इनमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इन्हें थोड़ा सा गलाएंगे, तो उसके लिए मैं 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको कवर करके मैं थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दूंगी और फ्लेम मैं अपनी बिल्कुल लो कर दूंगी। टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं, ये काफी हद तक देखिए सॉफ्ट भी हो गए हैं और इसमें डालेंगे हम अब आलू। आलू डाल के पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही 2 मिनट भून लेते हैं। आलू पहले डालेंगे, मेथी बाद में डालेंगे, क्योंकि मेथी तो जल्दी गल जाती है, आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आलूओं का साइज भी आप थोड़ा सा छोटा रखिएगा। आलूओं को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला भी देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें मेथी जो कि अच्छे से ड्राई हो गई है, थोड़ी डाल देंगे फिर वेट करेंगे ताकि वो हीट लगने से नीचे हो जाए।
देखिए पूरी मेथी इसके अंदर आराम से आ गई है और अभी जब ये पक जाएगी तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और दो मिनट ऐसे ही भून लेती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देगी तो हमें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्ज़ी को पकते हुए दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे इतना पकाएंगे कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। आलूओं को अब हम चेक कर लेते हैं। आलू गल गए हैं, अब हम अपनी फ्लेम को बढ़ा लेते हैं, मीडियम फ्लेम कर लेते हैं और अपनी सब्जी को अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो ड्राई नहीं हो जाता। सब्जी हमारी अच्छे से भून गई है और इसमें से ऑयल भी रिलीज हो गया है तो ये रेडी हो गई है। अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म और बहुत ही खुशबूदार आलू मेथी की सब्जी। सर्व कीजिए इसको आप चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर नान के साथ, ये सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।